राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये थाल पोश बना के दिखा रही हूँ। आप इसको थाल पोश बना लो, डोरमेट बना लो, कुछ भी बना लो, सारी जगह अच्छा लगेगा। ये 16 कली का बना रखा है। आप इसको 16 का बनाना चाहो 16 का बना लो, 14 का बनाना चाहो 14 का बना लो, और आगे 18 का, 20 का, जिस तरह बनाना चाहो इसी तरह बना लो। यहीं से शुरू करनी पड़ेंगी हमने कली, जितनी कली का बनाएंगे। अब मैं यहाँ से शुरू करके बता रही हूँ आपको। पहले हम ऐसे गांठ बना लेंगे, यूँ करके। अब 8 चैन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो पहली चैन है, ऐसे करके यूँ पहली चैन में जोड़ देंगे इसको। यूं करके पहली में जोड़ देंगे। अब 3 चैन बना लेंगे, 1, 2, 3। अब यूं करके 2 बना लिए ये। अब यहीं से हम 8 बार निकाल लेंगे, 1, 2, 1, 2। अब ये 3 बना लिए, 2 का 1, फिर 2 का 1, 3 हो गई। अब 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8। अब ये 8 बार बना ली। अब ये 8 चैन बनाई थी, 16 बनाएंगे। ये 8 बना दी, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16। ये चैन जो पहले बनाई थी वो 8 बनाई थी, अब ये 16 बना दी हमने। और 16 बना के यहाँ हम जोड़ देंगे पहली चैन में। जो पहली चैन की 3 चैन बनाई थी, शुरुआत करी थी ये, उसकी तीसरे उसमें जोड़ दी। अब फिर हम 1, 2, 3, 3 चैन बना के अब इसी जगह से फिर ऐसे अब 2 का 1 कर दिया। अब ये 2 चैन रख ली, आगे फिर हम दूसरा रंग लगाएंगे। अब 2 चैन रख के ऐसे धागा लपेट लेंगे। अब ये 2 चैन के अंदर से ये निकाल दिया हमने, फिर यूँ बना के आगे वाले उसमें चैन है जो आगे वाली, उसमें 2 का 1, फिर 2 का 1। अब ये धागा हम साथ लेके चलेंगे, फिर आगे यहीं से फिर 2 का 1। अब ये 2 चैन रख ली, फिर इसको छोड़ के आगे हम ये वाला धागा बना लेंगे आगे। अब ये निकाल लिया इसके अंदर से। अब आगे 2 चैन फिर बनाएंगे, 1, 2 का 1, फिर 2 का 1, एक बार फिर यहीं से 2 का 1। अब ये 2 रख के आगे फिर हम ये धागा पकड़ लेंगे। अब 2 इसकी बनाएंगे। अब ये इसके अंदर से निकाल लिया, फिर आगे 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर आगे फिर 2 का 1 और 2 रख के फिर आगे हम ये दूसरा धागा पकड़ लेंगे, ये निकाल देंगे इसके अंदर को। फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर यहीं से फिर 2 का 1। अब ये छोड़ के फिर ये दूसरा धागा पकड़ लेंगे और ये ऐसे। ये 1-2 बार लगेगा,
पहले ये धागा पकड़ लिया, फिर ये पकड़ लिया, फिर ये पकड़ लिया, एक दो बार लगेगा, फिर अपना आप आदत सही बनेगी, ये पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से पकड़ लेंगे हम। दो का एक, फिर दो का एक, एक बार फिर यहीं से दो का एक। अब दो फंदे रख के ये छोड़ दिया और दूसरा फंदा ऐसे पकड़ लिया, फिर दो का एक, फिर एक बार फिर दो का एक, फिर एक फंदा, फिर यहीं से एक जगह से दो निकाल रहे हैं, दो का एक। अब आगे ये फंदा ऐसे दो का एक कर दिया, दो का एक, फिर दो का एक। अब दो फंदे रख के फिर ये छोड़ दिया और दूसरा पकड़ लिया, फिर आगे फिर दो का एक। अब ये छोड़ के ये वाला फंदा पकड़ लिया, दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, फिर एक बार फिर यहीं से दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, फिर यहीं से फिर दो का एक। अब दो फंदे छोड़ के फिर ये दूसरा धागा लगा के फिर इससे बना दिया हमने। अब ये फंदा हम बीच में दबा रहे हैं ये धागा साथ साथ, दो का एक, दो का एक, फिर आगे फिर दो का एक। अब दो फंदे रख के फिर ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, फिर दो का एक। अब ये चक्कर हम पूरा कटा लेंगे इस तरह, अब दो फंदे रख के दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, एक बार फिर यहीं से दो का एक, फिर ये छोड़ के दो का एक, अब फिर इसको पकड़ लेंगे। अब आगे फिर ऐसे करके फिर अब लास्ट में हम ऐसे डाल के दो का एक, फिर दो का एक, फिर आगे फिर दो का एक। अब हम आगे ये फंदा आ गया, अब इसमें हम एक दो तीन तीसरी चैन में, यहाँ है ये तीसरी चैन, इसको ऐसे यूं जोड़ देंगे। पहले इससे निकाल लेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे ऐसे निकाल के, अब फिर हम ऐसे जोड़ देंगे। अब ये यहाँ जोड़ दिया, अब देखो, अब ये जोड़ के यहाँ, अब आगे फिर हम यहीं से फिर शुरू करेंगे, तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। अब ये तीन चैन बना ली, तीन चैन बना के फिर ऐसे लपेट के इसी जगह से फिर जो ये चैन बनाई थी हमने, अब की बार ऐसे नहीं डालेंगे हम, ये पहली चैन हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे यूँ डाल के
दो का एक, फिर दो का एक। अब की बार हम तीन बनाएंगे, यहाँ पहली बार हमने दो दो बनाए थे, अब की बार तीन बनाएंगे। एक बार फिर यहीं से हम ऐसे दो का एक, अब तीन होगी। आगे फिर हम दूसरा फंदा धागा पकड़ लेंगे, ये अब फिर हम दूसरे धागे को ऐसे पकड़ के यूँ ऐसे बना लिया। फिर आगे यूँ लपेट के, अब ये दो हैं जो ब्लैक वाले हैं, इनके पहले फंदे में से पहली चैन को ऐसे उठाएंगे हम यहाँ से, यूँ पहली को यहाँ से उठा लिया, फिर दो का एक, फिर दो का एक। अब जो पहली बनाई है इसका हम यहीं से एक बार फिर ऐसे निकाल के दो का एक, फिर दो का एक, तीन बनाएंगे अब हम यहाँ। फिर हम तीसरा फंदा यहाँ से बनाएंगे, यूँ दो का एक, फिर ये छोड़ दिया, तीन फंदे बनाएंगे अब की बार। पहले चक्कर में हमने दो दो बनाए थे, एक एक फंदा बढ़ाएंगे हम इस तरफ, इस तरफ बढ़ेगा एक एक फंदा। अब फिर ये पहला फंदा हम ऐसे डाल लेंगे, यूँ ये किनारी बनाने के लिए डाल रहे हैं ये फंदा हम। अगर ये किनारी नहीं बनानी है तो वैसे सिंपल डाल लो, मैं किनारी बना के दिखा रही हूँ ये, तो इसी तरह देखो ऐसे बना रही हूँ। फिर एक बार फिर यहीं से दो का एक, दो का एक, फिर एक बार फिर तीसरा फंदा और बनाएंगे, तीसरा फंदा यहाँ से बनेगा। ये पता चल रहा है कौन सा फंदा कहाँ से बनाना है, हमने दो फंदे इकट्ठे इस जगह बनाने हैं, आगे तीसरा फंदा यहाँ से बनेगा हमारा। फिर ये छोड़ के फिर ये दूसरा लगा लेंगे ऐसे, और फिर पहला फंदा ऐसे बनाएंगे यूँ, फिर यहीं से फिर एक और बना देंगे। अब तीसरा फंदा यहाँ से बनेगा, अब ये दो बच गए, अब हम अगले रंग को लगा लेंगे ऐसे। फिर पहला फंदा यहाँ से बनाएंगे, फिर दूसरा फिर यहीं से, ये दूसरे वाला फंदा हम सीधा निकाल लेंगे, निकाल लेंगे उसी जगह से। अब तीसरा फंदा यहाँ से बनाएंगे, अब ये दो बच गए, फिर आगे दूसरा धागा पकड़ लेंगे, पहला फंदा यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, फिर दूसरा फंदा ऐसे सीधा निकाल लेंगे, फिर तीसरा फंदा यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये छोड़ के अब ये पूरा चक्कर यहाँ तक ले आऊँ, फिर दिखाऊँगे। अब देखो ये, अब काले धागे की बारी आ गई। अब ये ऐसे इसमें जोड़ेंगे हम, पहले हम ये काले धागे से ऐसे बना लेंगे तीन बार, तीन तीन बार बना के ले आई हूँ अब की बार ऐसे, दो का एक, फिर दो का एक, फिर एक बार फिर दो का एक। अभी यहाँ जोड़ेंगे इस धागे से ऐसे, दो का एक कर दिया, और फिर जो इसकी तीसरी चैन है एक दो तीन, यहाँ तीसरी चैन में ऐसे जोड़ देंगे। अभी ये जोड़ दिया यहाँ, देखो ये पता नहीं चल रहा कहाँ से जोड़ लगाया हमने। अब यहाँ से फिर हम तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन, अब तीन तीन बार बना लिया। अब की बार हम चार चार बनाएंगे, अगर चार चार बनाने में ऐसे सही दिखाई दे रहा है, खिंचा हुआ नहीं है, तो हम चार चार बना लेंगे। अगर ढीला रह गया हमारा तो एक चक्कर और हम तीन तीन बार बना के भी बना सकते हैं, एक चक्कर और आगे चार बार बनाएंगे, फिर पांच बार बनाएंगे, फिर छह बार बनाएंगे, ऐसे करके ये 19 बार बना दिया, ये 19 चक्कर कटा दिए ऐसे, एक एक बढ़ाएंगे हर बार, एक एक बढ़ा लेंगे, जैसे एक बार
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ऐसे बनाया है। तो फिर हम जहाँ हमने ऐसा लग रहा है अभी ये ढीला थोड़ा है, तो एक बार हम जैसे हम आठ चक्कर कटा दिए, हमने आठ आठ बार बना लिया, आठ बार ये बना लिया, आठ बार ये बना लिए, तो हम दूसरा नौवां चक्कर भी हम आठ आठ बार बना के उतार सकते हैं इसका। अगर हमने खींचा हुआ दिखाई दे रहा है ये, तो हमें हर बार एक एक बढ़ा के बना सकते हैं। आपको जिस तरह ठीक लगे यूं ही हिसाब से बना लेना। हाँ जी, मेरा डिज़ाइन अच्छा लगे और बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।